मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कैसे हो? मायसेल्फ संजय कुमार फ्रॉम सूरज स्कूल बाबर, ग्रुप ऑफ सूरज एजुकेशन। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स टुडे वी विल टेक क्लास 11th एंड क्लास 11th आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस एंड वी विल टेक चैप्टर 2nd राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स, स्टूडेंट्स इन माय प्रीवियस वीडियो आई टॉक्ड अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट। पिछली वीडियो मैंने आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के राइट के बारे में आपको काफी बताया था। ये जो नेक्स्ट वीडियो है, देखो आपने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट दिए गए हैं, हमारे फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, उनके बारे में पढ़ा। बट आज हमारा जो टॉपिक है वो नेशनल वुमेन राइट कमीशन, नेशनल वुमेन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार कमीशन जो संगठन है हमारा ये। तो स्टूडेंट्स जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हम इतने राइट दिए हैं तो इसकी क्या जरूरत पड़ी कि हमने नेशनल वुमेन राइट कमीशन को भी बनाना पड़ा। इसके लिए छोटी सी, मैं आपको हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड जाना पड़ेगा, छोटी सी बात बतानी है इसलिए बैकग्राउंड जाना पड़ेगा। 1890 डिकेड में पंजाब स्टेट के अंदर बहुत ज्यादा टेररिज्म हो रहा था। तो उन टेररिज्म में पुलिस पर ये ब्लेम लग रहे थे कि पुलिस इनोसेंट पीपल को टेररिस्ट बनाकर मार रही है ताकि पुलिसमैन को उनको अवार्ड मिल सके, उनको प्राइज मिल सके। तो उनकी इंक्वायरी के लिए फिर उस समय की नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने, उसमें प्राइम मिनिस्टर का पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने फिर नेशनल वुमेन राइट कमीशन को सेटअप किया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि नेशनल वुमेन राइट कमीशन है, इसके क्या फंक्शन है। इसके आप अपनी बुक्स में पढ़ेंगे काफी लेंथी फंक्शन दे रखे हैं, मैं आपको मेन मेन फंक्शन बताता हूँ स्टूडेंट्स। ओके देखिए, इसके फंक्शन से सबसे पहले तो बता देता हूँ कि वुमेन राइट कमीशन से 1993 में सेटअप हुआ था। अभी मैंने आपको बताया कि पीवी नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उनके इस टाइम में इसको सेटअप किया गया था। इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे जुडिशरी है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। लाइक दिस, बिल्कुल उसी तरह NHRC भी बिल्कुल उनसे ही इंडिपेंडेंट है। इस पर गवर्नमेंट का किसी तरह से कोई प्रेशर नहीं डाल सकता है। इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है। वुमेन राइट कमीशन का जो चेयरमैन होता है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए अपनी अप्रोच करती है और प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है। इसमें रिटायर्ड जज भी हो सकती हैं, ठीक है, इसके अंदर रिटायर्ड ये ऑफिसर्स भी हो सकते हैं या कोई एमिनेंट सिटीजन। इसका मतलब है कोई ऐसा सिटीजन जिसने सोशल वर्क अच्छा किया हो, जिसने एजुकेशन के लिए काम किया हो, उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें, इट डज नॉट बियर द बर्डन ऑफ केसेस, ये केसेस के ऊपर किसी तरह से कोई बर्डन दबाव नहीं डाल सकता। पुलिस को ये नहीं कहता आपको ऐसे कीजिए, ये सिर्फ इंक्वायरी करता है, ये उसकी सिर्फ ये देखता है कि इनोसेंट पर्सन को किसी तरह से कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। जो इनोसेंट पर्सन है कैसा तो नहीं है, गवर्नमेंट मशीनरी उसके ऊपर प्रेशर डाल रही हो, अनबिलेबल थिंग उसके ऊपर कर रही हो, इस चीज को वो देखता है। इट कैन फोकस हेल्पिंग द हेल्प विक्टिम्स, इसका जो पूरा फोकस होता है जो विक्टिम्स होते हैं, इक्विन पीड़ित जो होते हैं उसके ऊपर पूरा इस पर फोकस रहता है। फॉर एग्जाम्पल आहली की घटना आपने देखी होगी, आपने देखिए यूपी के बहुत से शहर में देखा होगा आजकल कोरोना की जांच के लिए डॉक्टर नर्सेस पुलिस जा रहे हैं, उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, तो फिर पुलिस उनके ऊपर अपनी कार्रवाई कर रही है। तो बहुत से ऐसे संगठन, खास तौर से माइनॉरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ब्लेम लगा रहे हैं कि ये पुलिस जो है इनोसेंट पर्सन को ज्यादा डिप्रेस कर रही है। तो इसके लिए वो कहते हैं कि हम NHRC में जाएंगे, वहां जाकर इस मैटर को हम उठाएंगे। तो NHRC कैसी है, जहां इनोसेंट पर्सन होता है उसकी हेल्प की जाती है। NHRC cannot punish the guilty, NHRC है वो किसी को अपनी तरफ से
कोई गिल्टी हो जाती है उससे अपनी तरफ से कभी पनिश नहीं करती है, वो सिर्फ अपनी अप्रोच डालती है, अपनी रिकमेंडेशन डालती है, वो खुद ये नहीं कह सकती कि इस विक्टिम्स ने ये किया था तो गॉड इसको ये सजा दे, नहीं, वो सिर्फ मोस्टली इनोसेंट पर्सन की वो हेल्प करती है। इट कैन समन विटनेस, ये जो विटनेस होता है उसको समन जारी करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई इनोसेंट पर्सन है, उसको पुलिस के खिलाफ कंप्लेन करी लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है कि वो पुलिस के खिलाफ कंप्लेन कर सके, तो वो एनएचआरसी में जाएगा, एनएचआरसी उसके थ्रू पुलिस को सम्मन जारी करेगी। सम्मन एक ऐसी पेज होता है जिसमें एक कानूनी जिसको प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है, तो उसके लिए एक प्रेशर डाला जाता है और पुलिस को फिर ह्यूमन राइट कमीशन को जवाब देना पड़ता है उसने इनोसेंट पर्सन को अरेस्ट किया है, अरेस्ट किया तो 24 आवर मजिस्ट्रेट सामने क्यों नहीं पेश किया गया, ये सब बातें जानी जाती है। फिर दूसरा वो किसी प्रिजन में जाकर इनोसेंट पर्सन हो उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या किसी पर आरोप लगे हो कि उन्होंने किसी खिलाफ काम किया और जेल मंदिर वहां भी क्वेश्चन कर सकते हैं, उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं, उससे हर तरह से पूछ सकते हैं कि आपने सब कैसे किया है। तो ये ह्यूमन राइट कमीशन की एक फंक्शन और उसकी पावर है, और ये हमारे जो हमारी गवर्नमेंट ने यह अरेंज बनाया है इसका बहुत बेनिफिट हमें हो रहा है, खास तौर से इनोसेंट पर्संस को रूरल एरिया में जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए ये काम कर रहा है और एक अच्छा काम कर रहा है। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप आज इसको रीड करना, ओके, तो आपको और बेटर ही समझ में आएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे, टेक केयर, स्टे एट होम, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।